गाइज आज के फिर से नए फ्रेश कमाल के ब्लॉग एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाया हूँ। तो गाइज मैं फाइनली मुंगेर स्टेशन पे अभी हूँ। देखिए गाइज ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है और उस तरफ आपको पीछे दिख रहा होगा वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो गाइज आप दोनों तरफ से जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं स्टेशन से। तो गाइज आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से मुंगेर स्टेशन पर से आपको मैं डायरेक्ट लेके जाने वाला हूँ रोडवे तरफ से, मुंगेर गंगा ब्रिज अप्रोच रोड जहाँ से रोड कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली आप उस पार जा सकते हैं बेगूसराय खगड़िया तरफ। तो गाइज़ मैं सोचा आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं ताकि आपका अगर ट्रेन छूट जाए चाहे कोई तरह से आपको जाना पड़े मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड तरफ तो वो कैसे जाएंगे। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता है, आपको रोडवे से ले जाऊँगा और आपको मैं पूरा फुल डिटेल से बताऊँगा आखिर कैसे जाना है। तो चलिए गाइज़ आगे मैं चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इससे बाहर जाना है। वैसे इससे बाहर जाने के लिए आपको देखिए एक सबवे वाला रास्ता मिल जाता है, ये जो नीचे तरफ से जा सकती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म है और उस तरफ से भी आपको एक सबवे का रास्ता मिलता है बीच में जो दिख रहा होगा और 2 तरफ से आपको ऊपर तरफ से जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल खुला हुआ और डायरेक्ट स्टेशन के बाहर जा सकते हैं। चलिए गाइज आगे मैं चलता हूँ, पूरे फुल वीडियो से जुड़े रहिएगा। चलिए गाइज आगे मैं चलता हूँ। ठीक गाइज ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है जैसा कि मैं आपको बताया था वीडियो में। देखिए ये सबवे वाला रास्ता नीचे जाता है। तो गाइज मैं इस तरफ से आपको लेकर जाने वाला हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आपको उस तरफ से बताते हुए मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड जहाँ पे जुड़ता है डायरेक्ट वहाँ पर लेके जाने वाला। तो चलिए गाइज आगे मैं चलता हूँ। नीचे में है जो सबवे वाला रास्ता है नीचे से बना हुआ। देखिए गाइस आपको पूरा हॉल लग रहा है दिखने में, इसी के ऊपर से ट्रेन चलती है। तो गाइस आपको मैं थोड़ा बैक दिखा दूँ, देखिए यही स्टेशन है जो मैंने आपको पीछे दिख रहा होगा। और देखिए गाइस आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने का रास्ता इस तरफ से, आपको चलिए ऊपर ले भी चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ऊपर से भी रास्ता है, वो सब डिटेल्स आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आगे मैं चलता हूँ। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए यही अंदर का सबवे का रास्ता है जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आता है। तो चलिए गाइज आपको मैं दिखाया था जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कैसे आते हैं 1 पर, आपको पूरे नीचे से दिखाया था सबवे वाला रास्ता। तो चलिए गाइज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे कैसे जाना। देखिए सबसे पहला जो है प्लेटफॉर्म से ऊपर के रास्ते में बाहर जाने के लिए ये वाला रास्ता, ये ऊपर से आप साइड साइड जा सकते हैं प्लेटफॉर्म से बाहर और स्टेशन से भी बाहर। तो चलिए गाइज एक और रास्ता है जो आपको मतलब ऊपर से बनाया गया ताकि आप बाइक विक मतलब जो भी लेके जाना चाहते हैं चाहे ऐसे तो वो सब उस तरफ से भी लेके जा सकते हैं। चलिए गाइज उस तरफ से आपको मैं लेके चलता हूँ। देखिए गाइज आपको मैं 2 रास्ता दिखाया जो एक नीचे से और एक ऊपर से, ये तीसरा रास्ता है। देखिए ये रास्ता से भी आपको लेके जाने वाला हूँ कि मुंगेर स्टेशन पर से तीसरा रास्ता जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको स्टेशन के बाहर ले तक ले जाता है। तो चलिए गाइज ये रास्ता चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे जाना होता है। हम स्टेशन के बाहर जा रहे हैं, देखिए बाहर का आपको दिख रहा होगा ये बाहर का परिसर है। और गाइज देखिए ये मेन गेट है, आपको दिख रहा होगा ये मेन गेट,
इसी से आपको बाहर जाना होता है मुंगेर स्टेशन से। तो चलिए गाइस आगे चलता हूँ, और आगे जाके एक ऑटो पकड़ना होता है, जो चाहे आप ई रिक्शा पकड़ सकते हैं या ऑटो वहाँ पे मिलेगा और आप जा सकते हैं। चलिए गाइस आगे चलता हूँ और वहाँ पर भी आपको देता हूँ अपडेट आखिर कैसे जाना है क्या है। लेकिन देख सकते हैं स्टेशन के मैं बाहर आ चुका हूँ, देखिए वो स्टेशन आपको दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आने के बाद आपको दो रोड मिलती है, देखिए गाइस आपको एक रोड इस तरफ है और एक रोड आपको इस तरफ जाती है। इस तरफ वाली जो गाड़ी पकड़ना आपको, यहाँ से आपको बोलना ऑटो वालों को या तो ई रिक्शा को, हमको जाना चंडिका स्थान। तो वैसे ही मैं पकड़ के अभी मुझे ई रिक्शा मिलेगा और मैं चढ़ के जाऊंगा और आपको मैं पूरा ट्रेवलिंग दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस आगे मैं चलता हूँ। स्टेशन से यहाँ तक आपको वीडियो पूरी अच्छी तरह दिखाया कैसे कैसे रास्ता है, वो सब चीज़ आप देख लिए होंगे डिटेल्स में। गाइस देखिए यहाँ पर लाके ई रिक्शा जो है छोड़ दिया है, यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा वहाँ पर पुलिया, बस थोड़ी ही दूर है आपको वहाँ भी ले चलता और आपको मैं बताता हूँ कैसे यहाँ तक पहुँचना होता है मुंगेर स्टेशन से। तो चलिए गाइस आगे चलता हूँ। ये इस तरफ आप देख रहे होंगे ये चंडिका स्थान आपको दिख रहा होगा, और गाइस यही है जो मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड है, ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वहाँ देख सकते होंगे वहाँ जो पुल बना हुआ है उसी में जाकर करता है मुंगेर गंगा ब्रिज। चलिए गाइस आप किसी भी साइड से ऊपर चढ़ सकते हैं ये जो मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड है। तो चलिए गाइस और आगे चलता हूँ और मैं और अपडेट देता हूँ आगे। गाइस हम फाइनली मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड पे मैं पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं गाइस यही रोड है। यहाँ पर जब आप आइएगा उस तरफ से तो आपको यहाँ पर सभी तरह का गाड़ी ई रिक्शा ऑटो मिल जाएगी, जिससे कि आप उस पार जा पाएंगे आसानी से। देखिए गाइस आपको मैं थोड़ा सा पीछे भी दिखा दूँ, देखिए गाइस इस तरफ आपको दिख रहा होगा बिल्कुल
यही है मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड। तो आपको मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लाया ताकि आप आराम से मुंगेर स्टेशन से पहुंच पाइए मुंगेर ब्रिज अप्रोच रोड को। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी सुझाव किसी तरह कॉमेंट हो वो भी कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।